नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई को लगा करारा झटका। इस करारे झटके के पीछे का कारण पूर्व राज्यसभा सांसद व भजनलाल परिवार से नजदीकी संबंध रखने वाले पंडित रामजीलाल के भतीजे ओम प्रकाश आर्य नगर वाले का बीजेपी में शामिल होना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि आज ओम प्रकाश आर्यनगर के निवास स्थान पर केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह के जलपान कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जहां पर 9 गांवों के सरपंच, कई जिला पार्षद व सैकड़ों की संख्या में लोग उनका स्वागत करने पहुंचे। गौरतलब है कि ओम प्रकाश आर्यनगर वाले वार्ड नंबर 9 से जिला पार्षद हैं व समाज सेवा के कार्यों में भी हमेशा अग्रसर रहते हैं, जिसके चलते वो नलवा हलके में अच्छी पैंठ रखते हैं और ऐसे में चुनावों के इतने नजदीक आकर उनका भाजपा में शामिल होना कुलदीप बिश्नोई के लिए सचमुच परेशानी का सबब बन सकता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह जी, आइए जानते हैं उनसे आने वाले इलेक्शंस के बारे में। सर, आपके पुत्र जो हैं बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किन मुद्दों पर ये चुनाव रहेगा बीजेपी की तरफ से? देखिए, मुद्दे तो अनेक हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो हमने उपलब्धियां की हैं 5 साल में, उनकी एक लंबी चौड़ी सूची है जिसपे आप चाहे वो आर्थिक नीतियों की बात है, चाहे हमारे यहाँ जो सामाजिक परिवर्तन भी हमने किए हैं, और ख़ास तौर पे जो आपने सुना होगा कि ये देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, ये एक कंसेप्ट है जिसके तहत भारत को अगर आगे बढ़ना मजबूती से तो उसको स्पीड अप करनी पड़ेगी अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं। बाकी नेगेटिव बात भी है बोलने की, जैसे आपके यहाँ हरियाणा में कांग्रेस टूटी फूटी कांग्रेस है, और इसलिए पहली बार मैंने देखा, मैं तो 40 साल कांग्रेस में भी रहा हूँ ना, कि टिकटों के लिए मारामारी होती थी। अब की बार उल्टी बात है, वो कांग्रेस के टिकट ले लो, वो कहता है मैं नहीं लेता। तो ये एक अजीब सी परिस्थिति है। इसी प्रकार जो दूसरा एक राजनीतिक दल था, देवीलाल जी या ओम प्रकाश चौटाला जी का, उसमें भी बहुत बड़ी फूट है। तो जो मतदाता है उसके मन में, हमने 5 साल पहले एक ऑप्शन दी, एक विकल्प दिया कि भाई आप कभी कांग्रेस से नाराज़ होके देवीलाल जी के साथ जुड़ जाते हो, कभी उनकी पार्टी से नाराज़ होते हो फिर कांग्रेस के साथ, तीसरा विकल्प है बीजेपी, और उसको लोगों ने पसंद किया। और आज ये परिस्थिति है कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें चाहे कांग्रेस मुकाबले में और चाहे जेजेपी मुकाबले में, वो 10 की 10 सीटें हम जीत रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहली बार मेरे अपने राजनीतिक जीवन में भी मैंने पहली बार देखा कि जाति, धर्म, गोत्र और रीजन, क्षेत्रवाद, ये सब से ऊपर उठ के आज का मतदाता हरियाणा में, वैसे तो देश में ही, हरियाणा में ये सोच रहा है कि हम अपने देश को सामने रख के वोट करेंगे। और उस वोटिंग का मतलब ये है कि मैं तो जाता हूँ गांव में, और मैं तो कहते हैं भाई ऊपर वाली तो मोदी जी को देंगे, ये एक बड़ी सोच है। सर, आपकी तरफ से जो है बीजेपी की तरफ से आपके पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह जी लड़ रहे हैं, चौटाला फैमिली की तरफ से दोषन चौटाला जी लड़ रहे हैं, उधर से कांग्रेस की तरफ से भव्य बिश्नोई जी मैदान में हैं, जिन्हें राजनीति का कोई खासा ज्ञान नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि जो हरियाणा की राजनीति में जो है परिवारवाद कहीं ना कहीं जगह ले रहा है? देखिए, कांग्रेस की तो मजबूरी है, मैंने कहा ना अभी आपको, कोई टिकट लेने को तैयार नहीं, पिताजी नहीं तैयार थे इसीलिए पुत्र को आगे कर दिया, पुत्र कहे कि मैं क्यों लड़ूंगा, आप लड़ो। तो ये जो है, और अब जब ऐसे परिवार में इस तरह की बात आए तो जो दूसरे, तो इसका मतलब कोई आगे आ ही नहीं रहा था कांग्रेस का टिकट लेने के लिए, और उनकी मजबूरी है, नई पार्टी बनाई है, अगर दुष्यंत चौटाला चुनाव ना लड़े तो आम मतदाता कहेगा कि तो पार्टी शून्य हो गई, खत्म हो गई, इसलिए उसको लड़ना इसलिए ज़रूरी है कि अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। आप भी पहले काफ़ी वर्ष जो हैं कांग्रेस में गुजार चुके हैं, तो क्या ये कहना सही होगा कि आप धीरे धीरे अपने जो कांग्रेसी मित्रों को है भाजपा में लेकर आ रहे हैं? आ गए बहुत
अपना सबसे तगड़ा जो ब्रिजेंद्र सिंह का सबसे तगड़ा दावेदार किसे मानते हैं आप इस बार के इलेक्शन में? देखिए, वैसे तो चुनाव है, इसमें कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं चुनावी पंडित भी हूँ, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि दोनों पार्टियाँ सेकंड थर्ड के संघर्ष में, देखते हैं कौन। ये थे हमारे साथ केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र सिंह जी। आगे भी इलेक्शंस के अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।